गठबंधन प्रत्याशी हेमराज वर्मा का नाम घोषित होने पर स्थानीय जनता ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। अपने जनपद वापस आते ही हेमराज वर्मा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि यहां की जनता बाहर का नहीं बल्कि स्थानीय सांसद चाहती है। की जो स्थिति है, 30 सालों से मेनका गांधी यहां पर सांसद है और वरुण गांधी भी 5 साल सांसद थे, तो आज जिस तरह से पीलीभीत छोड़कर वो यहां से गई हैं और आपके वरुण गांधी जी सुल्तानपुर से यहां पर आए हैं, तो आदमी ऐसी थोड़ी चला जाता है। जाने के दो कारण होते हैं, अपना क्षेत्र छोड़ने के दो कारण होते हैं, या तो उसने पूरा डेवलपमेंट करा दिया, वो सारे काम करा दिए, कोई काम बचाना, या फिर कुछ भी ना कराया हो जो जनता उन्हें वहां से हटाना चाहती है। तो आज पीलीभीत के हालात आप देख रहे हैं कि इन्होंने भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी गांधी राष्ट्रीय नेता कहलाते हुए अपने आप को, तमाम सारे अपने आप को बड़ा नेता कहलाते हुए भी उन्होंने कोई भी काम 30 सालों में किया नहीं, इसलिए उन्हें यहां से भागने की नौबत पड़ी। और वो कहती पीलीभीत की माँ है, तो पीलीभीत की जो माँ अपने आप को बोलती थी वो ऐसी बेदर्द माँ जिन्होंने कुछ किया नहीं पीलीभीत के लिए, तो वो तो यहां से चली गई और एक अपना बिगड़ैल बेटा यहां छोड़ गई। बिगड़ैल बेटा वो जो 2009 में यहां पर चुनाव लड़ा था, जो चुनाव लड़े थे 2009 में, तो उन्होंने यहां पर जीतने के बाद में लोगों को मारा, रास्ता चलते लोगों को पीटा, मुकदमे लिखाए, गालियां दी, पीलीभीत के अमन चैन शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की। तो ऐसे बिगड़ैल बेटे को जो वहां की सुल्तानपुर की जनता ने जिसे भगा दिया, नकार दिया, वो फिर अब यहां छोड़ गए हैं वो। लेकिन पीलीभीत की जनता अब समझ चुकी है और पीलीभीत जनता की जो मांग है कि स्थानीय सांसद पीलीभीत का इस बार बने, और जनता की मांग को देखते हुए भाजपा के सभी विधायक और नेताओं ने भी अपने नेतृत्व से ये डिमांड की थी कि हमें स्थानीय प्रत्याशी इस बार दिया जाए और जनता स्थानीय सांसद चाहती है, लेकिन उनकी बात को भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं माना और फिर उन्हीं को भेज दिया यहां पर। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जनता की भावनाओं का, पीलीभीत के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा है और एक स्थानीय प्रत्याशी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, और जो पीलीभीत का जो लोगों का सपना है 30 सालों से कि स्थानीय सांसद हो, तो हमें आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस बार पीलीभीत की जनता अपने स्थानीय सांसद को बनाने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे और हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। और ये बगैर काम करने वाले लोग जिस तरह से जीते हैं, उसी धमाकेदार तरीके से इनकी इस बार विदाई होने निश्चित है और इनकी जमानत भी जब्त होने जा रही है। तो पीलीभीत की जो माँ अपने आप को बोलती थी वो ऐसी बेदर्द माँ जिन्होंने कुछ किया नहीं पीलीभीत के लिए, तो वो तो यहां से चली गई और एक अपना बिगड़ैल बेटा यहां छोड़ गई। बिगड़ैल बेटा वो जो 2009 में यहां पर चुनाव लड़ा था, जो चुनाव लड़े थे 2009 में, तो उन्होंने यहां पर जीतने के बाद में लोगों को मारा, रास्ता चलते लोगों को पीटा, मुकदमे लिखाए, गालियां दी, पीलीभीत के अमन चैन शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश की। तो ऐसे बिगड़ैल बेटे को जो वहां की सुल्तानपुर की जनता ने जिसे भगा दिया, नकार दिया, वो फिर अब यहां छोड़ गए हैं वो। लेकिन पीलीभीत की जनता अब समझ चुकी है और पीलीभीत जनता की जो मांग है कि स्थानीय सांसद पीलीभीत का इस बार बने, और जनता की मांग को देखते हुए भाजपा के सभी विधायक और नेताओं ने भी अपने नेतृत्व से ये डिमांड की थी कि हमें स्थानीय प्रत्याशी इस बार दिया जाए और जनता स्थानीय सांसद चाहती है, लेकिन उनकी बात को भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं माना और फिर उन्हीं को भेज दिया यहां पर। तो कहीं ना कहीं जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जनता की भावनाओं का, पीलीभीत के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा है और एक स्थानीय प्रत्याशी को यहाँ पर